आज आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूँ ज्योमेट्री का बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है जिसका नाम है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। क्लास टेंथ का आप लोग आईसीएसई बोर्ड से रिलेटेड है। सबसे पहले सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है हम लोग ये सीखते हैं और इसका डे टू डे लाइफ से हम लोग रिलेशन करते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप लोग के डे टू डे लाइफ से रिलेटेड नहीं हो। खास करके अंडर टेंथ तो और भी ज्यादा विजुअलाइज होती है। क्लास टेंथ के बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो आप लोग को लगेगा क्या, दैट मीन्स वो भी विजुअलाइज होती है बट वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है, मतलब उतना इजीली हम लोग नहीं देख पाते हैं उस चीज को या उतना हम केयर नहीं कर पाते। बट अदरवाइज जितने भी टॉपिक्स हैं जो क्लास अंडर अप टू टेंथ हैं वो तो क्लियरली से विजुअलाइज हो जाती है। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। देखिए आप लोग क्लास नाइन्थ में या एट्थ में सेवन तक में आप लोग पढ़े होंगे एक टॉपिक ट्रायंगल्स में, जो ट्रायंगल्स के बारे में आप लोग पढ़ेंगे और भी ज्योमेट्री में कई टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसमें जैसे लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, एंगल बिटवीन लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, ट्रायंगल्स के बहुत सारे प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। उसके बाद आप क्लास नाइन्थ में एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है, ठीक। तो उसके बारे में आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ेंगे कि टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंस इफ हैविंग सेम शेप एंड साइज। तो दो फिगर एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस कहलाता है यदि दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करे, दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करें, या दूसरे लोगों में हम लोग यह भी उसको बोल देते हैं कि या तो ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करें, या उसको हम लोग यह भी बोलते हैं कि दोनों का दोनों जो हो, कहने का मतलब एक दूसरे को यदि एक दूसरे को हम लोग एक दूसरे पर रखे, ठीक, तो कंप्लीटली रूप से कवर कर लेना चाहिए। कहने का मतलब ये होगा जैसे मान लीजिए ये एक पार्ट है कोई बड़ी का, दूसरा पार्ट ये, और दोनों एक दूसरे पे रखते तो क्या हो गया, एक दूसरे को कोइंसाइड कर गया। तो इस केस में इस दोनों को बोलते हैं हम लोग ये दोनों का दोनों ऑब्जेक्ट, वो क्या है कॉन्ग्रुएंस है वन टू वन कोरेस्पोंडेंस। ये जो एक वर्ड है ना वन टू वन कोरेस्पोंडेंस, यहाँ पे क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल करता है। अब इसे मैं आपको और भी बहुत सारे मैं एग्जांपल्स बताता हूँ। आप कोई भी चीज जब बनाता है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज मशीन के द्वारा बनाया जाता है तो उसका एक फर्म होता है। जैसे आप मान लीजिए ब्रिक्स जो होती है, ब्रिक्स बनाने की एक मशीन होती है। पहले के समय में जो हाथ से ब्रिक्स बनाया जाता था तो उसके पास एक कहने का मतलब इस तरह का क्यूबॉइड देखे होंगे, ठीक, क्यूबॉइड शेप का एक काठ का बना हुआ रहता था, ठीक, और उसके अंदर में क्या करता था मिट्टी को डाल देता था और उसी से मिट्टी को डाल करके उसको थोड़ा सा सॉलिड टाइप का बनने देता था, फिर बाहर आकर के कहने का मतलब निकाल दिया जाता था तो ब्रिक्स बनता था और फिर उसको पकाया जाता था। तो वो जो ब्रिक्स है उस मशीन से वो जो कहने का मतलब काठ का जो लकड़ी का जो बना हुआ था उसके हेल्प से जितने भी ब्रिक्स बनते सबका सब सेम बनता है। या आप इसी को देखिए, कोई साबुन ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम लोग डब साबुन ले लेते हैं तो उसमें देखिएगा कि ईच एंड एवरी साबुन का जो शेप होता है आपको अप्रोक्सीमेटली एकदम एग्जैक्टली सेम रहता है। तो उस प्रकार के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं क्या कि वो जो ऑब्जेक्ट है ना वो कॉन्ग्रुएंस होता है, ठीक। तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये होता है कि हर एंगल से उसका शेप और साइज सेम होना चाहिए, तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, कॉन्ग्रुएंस कहलाता है। बट यहाँ पे जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सिमिलरिटी। अब ये सिमिलरिटी क्या होता है, तो सिमिलरिटी के बारे में मैं बताता हूं। सिमिलरिटी जो है हम लोग पहले तो डेफिनेशन पे बाद में फोकस करेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है, बट सबसे पहले हम लोग डे टू डे लाइफ से लिसन करते हैं। देखिए सिमिलर किसको बोलते हैं कि दो बड़ी कोई भी दुनिया की कोई भी चीज ऑब्जेक्ट हो, ठीक, दो ऑब्जेक्ट्स जो होता है सिमिलर टू जगह होता है यदि उसमें एक कंडीशन हो कि दोनों का, सिंपल में समझिए, उस बड़े का शेप आपका सेम होना चाहिए बट उसका साइज नीड नॉट बी सेम। अब देखिए यहां पे मैंने जो बोला उस बात पे फोकस कीजिए, शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए बट साइज नीड नॉट बी सेम। हो जाएगा तो सुने में सुहागा और नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट शेप सेम होना चाहिए। यदि दो बड़े का शेप सेम होता है, साइज यदि डिफरेंट भी होती है तो वो आपका सिमिलरिटी के अंदर में आ जाता है। अब बच्चे बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि शेप और साइज में क्या फर्क होता है, शेप क्या होता है साइज क्या होता है। शेप का मतलब होता है कि उसका जो फिगर बनता है जिस तरह की उसको रिप्रेजेंट करता है, लेकिन साइज जो होती है, जैसे देखिए
शेप का मतलब जैसे कोई मैंने ट्रिंगल लिया एक ट्रिंगल इसी तरह से एक और ट्रिंगल लिया तो ये दोनों का शेप क्या सेम बट साइज क्या यहां पे हो सकता है कि ये बड़ा हो ये छोटा हो तो इस केस में ये ना ये कहने का मतलब क्या हुआ यार तो मैं आपको डायरेक्टली कुछ कुछ बना दे जैसे मान लिया कि इसको ले लिया 1 2 3 ठीक है यहां पे लिया 2 4 6 ले लिया तो ये जो बड़ी है ये दोनों का दोनों बड़ी इस दोनों बड़ी पे आप देखिए ध्यान दीजिए यहां पे या दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग देखते हैं तो दोनों का दोनों ट्रायंगल्स पे आप गौर कीजिए तो दोनों का शेप क्या है सेम है दैट मींस ट्रायंगुलर फॉर्म है बट दोनों का क्या साइड डिफरेंट है अब देखिए यहां पे शेप साइड शेप से होने का मतलब ये नहीं कि ये ट्रायंगल है ये ट्रायंगल है तो दोनों सिमिलर हो जाएगा यहां पे एक और जबरदस्त पॉइंट आती है वो बताते हैं यहां पे एक जबरदस्त पॉइंट ये आती है कि जैसे इस ट्रायंगल और ट्रायंगल के बारे में हम सिमिलरिटी की जब बात करें ठीक तो हमको पार्टिकुलरली पढ़ाना है ज्योमेट्री में तो ज्योमेट्री में आपको क्या आएगा कोई पॉलीगन आएगा अब पॉलीगन में भी आप लोग की क्लास में रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है कि वी हैव टू स्टडी ओनली अबाउट ट्रिंगल्स तो हम लोग को ओनली ट्रिंगल्स पे फोकस करना है बट हम लोग एक्स्ट्रा में भी सोच सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो जैसे कोई दो ट्रिंगल्स के बारे में यहाँ पे मैंने डिस्कस किया उसी तरह से क्वाड्रिलेटर के बारे में उसी तरह से पेंटागन के बारे में हेक्सागोनल के बारे में बहुत सारे पॉलीगन्स आएंगे बट मुझे उतना नहीं फोकस करना है तो सिमिलरिटी एक्चुअल में होती क्या है वो बताते हैं आप अपना हाफ फोटो ले लीजिए आप यदि कभी फोटो खिंचवाए होंगे तो आप अपना कभी हाफ फोटो ले लीजिए चलिए इस तरह से आपको आप फोटो होगा मान लीजिए ठीक इस तरह से आपको आप फोटो होगा मान लीजिए ठीक समझिए अब क्या करते हैं ये आपका फोटो भी मान लीजिए अब क्या करते हैं कि आपका हाफ फोटो हो गया अब इसी को हम बना कर देते हैं कहने का मतलब हाफ फोटो से जो बड़ा फोटो बनता है वो आप बना लीजिए उस केस में क्या होगा ये थोड़ा सा बड़ा कर देगा इस तरह से करते हो गया अब देखिए यहां पे मुझे बताने का मतलब क्या सिमिलरिटी वो बता रहे ये दोनों फिगर पे आप गौर करें तो आप कभी सोचने कि उस हाफ फोटो और आपके फुल फोटो में क्या डिफरेंस होती है मैं आपको बताता हूं क्या डिफरेंस होती है सारा का सारा चीज तो सेम ही रहता है बस फर्क क्या रहता है दोनों में कि आपके यदि हाफ फोटो में ठीक मान लिया आपका ईयर की बात करें यदि आपकी ईयर की मतलब कान की यदि साइज हाफ फोटो में कुछ भी हो तो फुल फोटो में क्या होती है जिस रेशियो में इंक्रीज करता है जैसे मतलब ये मान लीजिए कि वैसे तो ईयर का हम लोग साइज नहीं ले सकते हैं मीटर सेंटीमीटर में हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते बट एक समझने के लिए मान लीजिए कि आपका ईयर है यदि यह एक सेंटीमीटर का हाफ फोटो में होता है ये ईयर हो गया इसके अलावा मान लीजिए नोज की बात मेरा मान लीजिए मेरा नोज है ये मेरा नोज है नोज का मान लीजिए इसका कुछ शेप होगा ओके तो यहां पे ये यदि वो सेंटीमीटर का नोज यदि इस शेप का होता है और भी बड़ी की मान लीजिए ये हो गया अब ये जो पार्ट हुआ इतना सारा मैंने दो ही पार्ट ले लिया सिंपली अब इसको क्या करते हैं अब जब यहां फोटो की डिस्कस कर रहे हैं इतना है। लेकिन यही चीज जब फुल फोटो में जाएगी तो जिस रेशियो में ईयर का साइज बढ़ेगा क्योंकि फुल फोटो में थोड़ा सा कान आपका बड़ा दिखेगा और हाफ फोटो में छोटा तो ये जिस रेशियो में आपका बड़ा वाला फोटो में इंक्रीज करेगा उसी रेशियो में ये भी इंक्रीज करेगा कि यदि मान लीजिए नून का साइज आपका मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर है क्या 2 सेंटीमीटर तो इस केस में यदि ईयर का साइज 1 सेंटीमीटर की जगह 2 सेंटीमीटर हो जाती है तो आपको मैं बता रहा हूं कि नोज का साइज डेफिनेटली रूप से 4 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि इस दोनों बड़े में यही रिलेशन है कि यदि इस उसके एक इंटिटीज में उसके एक पार्ट से में जिस रेशियो में इंक्रीमेंट होगी उसी रेशियो में दूसरे पार्ट में भी इंक्रीमेंट होगी आप ताजमहल का फोटो देखे होंगे आपके घर में ताजमहल का फोटो लगा होगा छोटा वाला होगा बड़ा वाला होगा उससे भी बड़ा होगा तो उसमें जो बनाया जाता है फोटो को उसमें क्या किया जाता है अब मान लीजिए
ताजमहल का जो टॉप वाला पोजीशन है, ताजमहल का टॉप वाला पोजीशन, वो बड़ा वाला फोटो वाला ही ले लिया जाएगा और सब पार्ट को छोटा छोटा कर देगा तो कैसा दिखेगा ताजमहल? बहुत गंदा दिखेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, बड़ा वाला ताजमहल का फोटो ले लो और छोटा वाला ताजमहल का फोटो ले लो, तो दोनों में इतना ही डिफरेंस होती है कि हर एक पार्ट को, उस बड़े वाले ताजमहल का जो हर एक पार्ट होता है, उस हर एक पार्ट को एक डेफिनेट रेशियो में डिमिनिस्ट करके छोटा वाला ताजमहल को ऑब्टेन किया जाता है। उसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जितना आप समझ सकते हैं, तो मेरा इतना अब चलिए जितना सारा हो गया। आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, आप अपना फोटो ले लीजिए या किसी भी चीज का फोटो खींच लीजिए और उसको क्या कीजिए, अच्छे ढंग से आप फोटो को जूम कीजिए। यदि फोटो को जूम करते हैं तो आप देखिएगा कि उस अच्छे से जूम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि जैसे जैसे बहुत सारे लोग ऊपर से जूम करते हैं नीचे से जूम करना छोड़ देते हैं, मतलब कि इस तरह से जूम कीजिए कि फोटो का जो एक्सटेंशन बना है, ठीक, फोटो एक्सपैंड करिए सिमिलर वे, कहने का मतलब चारों तरफ इक्वली एक्सपैंड करिए, ठीक। तो आप देखिएगा कि आपके बॉडी का हर एक पार्ट सिमिलर रेशियो में इंक्रीज होगा। या आप किसी चीज का फोटो लेते हैं, फूल का फोटो लेते हैं, फ्लावर्स का फोटो लेते हैं, तो उसका भी क्या जो एक्सपेंशन होगी, उसका एक्सपेंड करने का मतलब वो एक्सपेंड करेगा, तो वो एक सिमिलर वे में वो एक्सपेंड करेगा, ठीक। तो ये जो चीज होता है ना, वो क्या बताता है, सिमिलर के बारे में बताता है। इसके अलावा बहुत सारा चीज है जो आपको सिमिलरिटी का एग्जाम्पल से आपके डे टू डे लाइफ में बहुत सारा चीज है, ठीक। तो आप यदि सिमिलरिटी के कंसेप्ट को देखते हैं तो आपके डे टू डे लाइफ में बहुत सारा फिगर है। अब देखिए, या इसी को मान लीजिए, आप लोग ज्योमेट्री की तरफ थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि ये सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है, वो बताते हैं। इतना सारा चीज समझ गए तो आप यहां से ऑब्जर्व कीजिएगा, तो आप यहां से क्या ऑब्टेन कीजिएगा, यहां से आपको इतना ही ना ऑब्जर्वेशन मिलेगी कि एक मान लीजिए, अब मैं बहुत सारा एग्जाम्पल्स बता दिया, अब यहाँ पे छोटा सा चीज बताता हूँ आप लोगों को, वो क्या बताता हूँ कि इतने सारे चीज को मैं एक छोटा सा बॉक्स टाइप का बनाता हूँ। एबीसी एक ट्रिंगल मान लिया, यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब इसको मैंने मोबाइल में फोटो खींच लिया, ठीक। अब क्या किया, उसको जूम किया, तो ऑटोमेटिक जो है ये भी आपको डबल दिखेगा, मतलब इस तरह से मैं उसको जूम किया कि वो डबल दिखे, ये भी आपको डबल दिखेगा, ए सी आपको डबल दिखेगा, बी सी आपको डबल दिखेगा, दिखेगा। चलिए, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज बता सकते हैं, देखिए मुझे पार्टिकुलरली ट्रिंगल्स के बारे में स्टडी करना है, इसलिए हम लोग ट्रिंगल पर डायरेक्ट डिस्कशन करने के लिए आएंगे। उसका जो छोटा छोटा पॉइंट था, डिस्कशन क्या था, क्या होता है, कहने का मतलब टू फिगर सिमिलर कब होता है, वो चीज मैंने आपको बता दिया, ठीक। तो आप यहां से सबसे आप कहने का मतलब ऑब्टेन कर सकते हैं कि सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है। यहाँ पे क्या सेम सेम सेप है ना, साइज डिफरेंस डिफरेंस है, इसका साइज कुछ हो रहा है, इसका साइज कुछ हो रहा है, तो बस सेप सेम रहे और साइज डिफरेंट मतलब क्या, नीड नॉट बी डिफरेंट, वो हो तो भी अच्छा, नहीं हो तो भी अच्छा, लेकिन सेप सेम होना चाहिए तो वो सिमिलर हो जाता है। तो यहाँ पे यदि एक ट्रिंगल एबीसी लेते हैं और इसको मैं इस तरह से एक्सपेंड कर देते हैं डबल टाइप से, अब जब डबल करके एक्सपेंड करेंगे तो ट्रिंगल बनेगा, इच साइड क्या होगा, डबल हो जाएगा। जब इच साइड डबल होगा तो मेरा यहाँ पे एक सवाल आप लोगों से है कि यदि इसका इच साइड एक्सपेंड करेगा तो क्या आप यहाँ पे ये चीज बता सकते हैं कि जब इसका जब कहने का मतलब एक्सपेंड करेगा, यहाँ पर सिंपल सी बात, एक्सपेंड करेगा दिमाग यहाँ पे सोचना पड़ेगा आपको, एक्सपेंड कर लिया, चलिए एक्सपेंड कर लिया, अब एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से होगा ना, इस तरह से बनेगा। अब आप क्या बता सकते हैं कि इसके एंगल पे कोई इफेक्ट भी पड़ेगा क्या, इसके एंगल पे जब वो एक्सपेंड करेगा तो क्या इसके एंगल पे इफेक्ट पड़ेगी? तो आप यहां से ऑब्जर्व कीजिए, अच्छे से दिमाग लगाइए, तो आपको पता चलेगा कि इसके एंगल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी। और जब इसके एंगल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी मीन्स दैट ये है कि दोनों का दोनों फिगर क्या सिमिलर है। तो यहाँ पे एंगल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ती है, तो यहाँ पर तो मुझे उसकी बात नहीं करना है अभी, कहने का मतलब एंगल से रिलेटेड या साइड से रिलेटेड कोई मैं अभी डेफिनेशन वगैरह कुछ भी नहीं दिखा रहा हूँ। अभी मैं बोला ना कि अभी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड एकदम एग्जैक्ट डे टू डे लाइफ से रिलेटेड मैं एग्जाम्पल्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो इसको जूम करके मैंने ये लाया, तो आपने यहां से क्या ऑब्टेंट किया, दोनों का सेप सेम है, इसकी साइड्स में
जो इंक्रीमेंट हुए हैं एक डेफिनेट लिस्ट में, एबी में जो इंक्रीमेंट हुए हैं, एबी में जो इंक्रीमेंट हुए हैं वही मेरा एबी से, एबी से डी को होने में जितना मल्टीपल होना पड़ा उतना ही बीसी को एफ में और डी एसी को डी एफ होने में इंक्रीमेंट होना पड़ा। तो इस तरह को फिगर को ही तो मैं बोलता हूँ सिमिलर फिगर। तो यहाँ पे सेम शेप है बट साइज मेरे डिफरेंट, यही होता है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट। ठीक, अब हम लोग चलते हैं कि सिमिलर फिगर्स कहते किसको, उसका डेफिनेशन की तरफ मिटाते हैं इसको, लिख लीजिए आप लोग डेफिनेशन में। सिमिलर फिगर्स दोज फिगर्स having same shape but need not be same size. तो सिंगल फिगर्स का डेफिनेशन क्या हुआ, दोज फिगर्स हैविंग सेम शेप बट नीड नॉट बी सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है कि सिमिलर फिगर्स वो सारे फिगर्स होते हैं जिसका शेप सेम होना चाहिए बट साइज होना चाहिए वो सेम हो गया तो सोने में सुहागा, और नहीं हुआ तो फिर कहने का मतलब सोने में सुहागा का मतलब और अच्छा हो गया, और नहीं हुआ तो उस केस में हम लोग कहेंगे सिमिलर है। ठीक है, ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम लीजिए all line segments, all line segments circles, equilateral triangles squares, ये सारे ऐसे ऑब्जेक्ट से ज्योमेट्री में है, कहने का तो ज्योमेट्री में ये सब ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर है जो हमेशा सिमिलर होते हैं। अभी सब ऑब्जेक्ट पे आप करने का मतलब सोच सकते हैं कि कैसे हम लोग समझेंगे कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्या सिमिलर है। तो देखिए बताता हूं मैं आपको, जैसे कि मैंने चर्चा किया लाइन सेगमेंट का, आप लाइन सेगमेंट को ले लीजिए, ये दोनों का क्या है शेप सेम है, सो दोनों का दोनों फिगर में क्या है सिमिलर है। आपका सर्किल आता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी सर्किल जो होता है बड़ा हो या छोटा हो उसकी रेडियस का जो रेशियो होता है वही उसके पेरीमीटर का, मतलब कहीं से भी कोई पार्ट का हम लोग रेशियो करते हैं ना तो वो एक डेफिनेट देता है। इसलिए हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि दुनिया का कोई भी सर्किल हो, दुनिया का कोई भी सर्किल हो एक सर्किल से ऑब्टेंड किया जा सकता है, चाहे उसको एक्सपेंड करके या उसको हम लोग श्रिंक करके, दोनों में से कोई भी चीज कर सकते हैं। ठीक, एक्सपेंड करके भी हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो श्रिंक कर सकते हैं, उसको सिकुड़ सकते हैं, उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। तो जब एक दूसरे की हेल्प से मैं जब ऑब्टेंड कर ही सकता हूं तो उसी को तो हम लोग सिमिलर बोलते हैं कि श्रिंक करने का मतलब हुआ या एक्सपेंड करने का मतलब हुआ एक डेफिनेट रेशियो में उसके इच एंड एवरी साइज को इंक्रीज कर देना। जैसे मान लिया इसका रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर या इसका रेडियस होगा 2 सेंटीमीटर, तो क्या किए इसके इस ये जो जितने भी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है इसी से का सर्किल बनता है। तो इन सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को जहां पे था उससे 1 सेंटीमीटर मैंने क्या किया डिस्टेंस कर दिया फ्रॉम मतलब ज्यादा डिस्टेंस कर दिया फ्रॉम ओरिजिन से। ठीक, तो पहले 1 था तो फिर 1 से डिस्टेंस कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया 2 सेंटीमीटर का हो गया। तो उसके इसमें क्या होगा सारा कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स यहां चले जाएगा तो यहां चले जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा ये तो सिमिलर हो गया। तो हर एक पॉइंट जाएगा ये पॉइंट यहां आ गया ये पॉइंट यहां आ गया ये पॉइंट यहां आ गया इस तरह से सारा पॉइंट चले गया तो दोनों फिगर जो होता है ना वो सिमिलर हो जाता है। यही तो सिमिलरिटी का मेन कंसेप्ट है। चलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात है तो बहुत अच्छी ट्रायंगल से देखिए आप ट्रायंगल को ले लीजिए, मैं भी आपका मेन डेफिनेशन बताऊंगा तो ये सब और आसान हो जाता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि सारे की सारे साइड क्या होते हैं सेम होते हैं। तो अब देखिए सोचने वाली बात ध्यान से सोचिएगा, अब कोई ट्रायंगल से इक्विलेटरल ट्रायंगल से इक्विलेटरल ट्रायंगल से उसको आप एक्सपेंड कीजिए
तो एक्सपेंड कीजिएगा तो सारा चीज तो वैसा का वैसा ही रहेगा, एंगल भी सेम रहेगा, साइड में इंक्रीमेंट हो सकता है, तो हर एक साइड में तो सेम ही तो एक्सपेंशन होगी ना, हर एक साइड में सेम एक्सपेंशन होगी, क्योंकि हर एक साइड से सेम एक्सपेंड एक्सपेंशन का मतलब क्या हो गया कि यदि ये 2 2 2 है तो ऑटोमेटिक यदि मान लीजिए 3 times सारे इंक्रीज कर दिया तो 6 6 6 सारे साइड हो जाएंगे, तो इसका मतलब यहां तो और भी सुविधा हम लोग को दे दिया, तो इसका मतलब ये दोनों टर्मिनल्स क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट कहता हूं सिमिलर हो गया। तो मुझे सबसे पहले ये सारा चीज समझ गए, तो यहां पे मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन के हेल्प से ये चीज बताई, अब मैं इसी का यूज कर लूंगा किस चीज में, इसका डेफिनेशन बताने में। चलिए ये हो गया सिमिलर फिगर्स की डेफिनेशन, अब इसमें बताता हूं कि सिमिलर फिगर्स अब हम लोग सीखेंगे कि दो टर्मिनल्स कब सिमिलर होते हैं। देखिए टू टर्मिनल्स आर सिमिलर टू इच अदर इफ, दो ट्रायंगल एक दूसरे का सिमिलर होगा इफ, फर्स्ट में देखिए देयर आर कोरिस्पोंडिंग एंगल्स, बी सेम, दूसरा में आता है देयर कोरिस्पोंडिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो और प्रोपोर्शन, तो यहां पे आता है कि दो ट्रिंगल्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं इफ देयर कोरिस्पोंडिंग एंगल्स भी सेम है, द कोरिस्पोंडिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो और प्रोपोर्शन, दैट मींस यहां पे यही इसकी डेफिनेशन हो जाता है। तो कोई भी दो ट्रिंगल्स आपका सिमिलर होगा यदि उसके कोरिस्पोंडिंग साइड सेम होंगे, कोरिस्पोंडिंग कहेगा कोरिस्पोंडिंग एंगल सेम होंगे एंड द कोरिस्पोंडिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो और प्रोपोर्शन, उसकी कोरिस्पोंडिंग साइड्स का जो रेशियो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ठीक, तो ये होता है आपका क्या क्राइटेरिया ऑफ टू ट्रिंगल्स बी सिमिलर, दो ट्रिंगल्स के सिमिलर क्राइटेरिया ऑफ ट्रिंगल्स फॉर टू ट्रिंगल्स, तो यहां पे दो ट्रिंगल्स के सिमिलर होने की ये मेरा क्राइटेरिया हो गया। अब इसी चीज में हम लोग यहां पे निकालेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें, यहां पे देखिए ये एक्चुअल में ये ट्रिंगल्स के लिए ही नहीं है, ये आप किसी पॉलीगन्स के लिए भी कह सकते हैं कि टू सेम पॉलीगन्स, दैट मींस टू पॉलीगन्स हैविंग सेम साइड, यहां पे बोल सकते हैं टू पॉलीगन्स हैविंग सेम साइड्स आर सेड टू बी सिमिलर इच अदर इफ देयर कोरिस्पोंडिंग एंगल्स बी सेम एंड देयर कोरिस्पोंडिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो और प्रोपोर्शन, ये किसी भी पॉलीगन्स के लिए फुलफिल है। बट यहाँ पे जब आपको पार्टिकुलर ट्रिंगल के बारे में डिस्कशन है तो ओनली ट्रिंगल्स के बारे में, दो ट्रिंगल्स जब कभी भी आपको बोला जाएगा कि ये सिमिलर है कि नहीं तो आप इस चीज को चेक करें। अब इसे मैं एग्जांपल से देता हूं, यहीं से उठाता हूं, ठीक, आपको मैंने यहां पे बताया कि देखिए इक्विलेटरल ट्रिंगल्स बताया ना, इक्विलेटरल, चलिए एक इक्विलेटरल ट्रिंगल ले लिया, छोटा सा इक्विलेटरल ट्रिंगल ले लेता हूं, इसका साइड मेरा एक एबीसी ट्रिंगल, ठीक, और इसका साइड मान लिया कि ये कुछ भी होगा साइड, मान लिया कि मेरा ये है, ठीक, सारा साइड ये होगा और ये सारा एंगल क्या होगा 60 degree, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है मैंने पहले ही बता दिया, और एक ट्रायंगल में ले रहा हूं 1200, इसका नाम ले लेता हूं मैं PQR, ठीक। अब यहां पे क्या करता हूं, हर साइड को मैं ले लिया क्या, मान लिया कि मैं बी ले लिया, ठीक, ये बी ले लिया तो हर साइड का मेजर, हर साइड का मेजर क्या होगा बी होगा, और ये जो एंगल है मेरा वो भी मान लिया क्या, हर एंगल 60 degree होगा,
क्यों होगा? क्योंकि यह भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ पे मैंने बताया ना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स भी ऑलवेज सिमिलर टू इच अदर। अब इस दोनों ट्रायंगल्स को आप बताइए कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब कहिए क्यों, तो मैं बताता हूँ, बहुत ही सिंपल रीजन है। मैंने जो डेफिनेशन बताया वो क्या बताया कि द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू इच अदर इफ देयर कोरिस्पोंडिंग एंगल्स बी सेम। तो इस एबीसी ट्रायंगल और पीक्यूआर में आप ऑब्जर्व करें तो क्या ऑब्टेन कीजिएगा कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी 60 डिग्री। सबसे पहले देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म्स यह है, वन टू वन कोरिस्पोंडेंस। ठीक, वन टू वन कोरिस्पोंडेंस, इस चीज को यहाँ पे हम लोग को समझना जरूरी है, वो मैं एक बार में बता रहा हूँ। देखिए उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा। तो ट्रायंगल एबीसी में आप देखिए, तो यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी में ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं भी बता रहा हूँ, इस चीज पे जोर कीजिएगा। एक ये भी फिगर ले लेता, तो ट्रायंगल एबीसी जैसे मैं ले लिया यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी और इधर ट्रायंगल ले रहा हूँ पीक्यूआर। देखिए तो एंगल ए जो है एंगल पी को रिफर कर रहा है जो कि 60 डिग्री है। एंगल ए भी मेरा 60 डिग्री है, ठीक, ये भी मेरा 60 डिग्री। एंगल बी जो है वो एंगल क्यू को बता रहा है 60 डिग्री। एंगल सी जो है वो एंगल आर को बता रहा है, दोनों का दोनों एंगल क्या 60 डिग्री। एंगल ए भी 60, एंगल बी भी 60 डिग्री, एंगल सी भी 60 डिग्री, दोनों का दोनों सेम भी है। और उसके बाद दोनों का दोनों सेम है। अब देखिए आप इसके कोरिस्पोंडिंग साइड को लीजिए, तो ए बी देखिए यहां से ए लिए, यहां से भी पी लिए, यहां से बी लिए, यहां क्यू लिए, यहां सी लिए, यहां आर लिए, सी आर ए पी बी क्यू इस तरह से लिए। अब यहां पर कोरिस्पोंडिंग साइड की मैं रेशियो करूं तो ए बी अपॉन पी क्यू क्या आएगा, ए बटे बी आ रहा ना, ए बटे बी। अब बी सी बटे क्यू आर करें तो बी सी बटे क्यू आर यदि मैं करूंगा यहां ए बटे बी हो जाएगा, तो यहां पर भी आ गया ए बटे बी। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे मैंने क्या बोलते हैं कोरिस्पोंडिंग एंगल्स बी सेम। कोरिस्पोंडिंग एंगल्स का मतलब क्या होता है, वन टू वन कोरिस्पोंडेंस। इसका मतलब इसका यदि कोई फर्स्ट पार्ट लेते हैं तो इसका भी फर्स्ट पार्ट के बराबर होना चाहिए। तो ट्रायंगल्स में टोटल मिलाकर के मेरे यहां पर देखिए थ्री एंगल्स थ्री साइड्स हो गए। थ्री एंगल्स में एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी एंगल आर के बराबर है, ये भी बराबर हो गया। तो इसका मतलब देयर कोरिस्पोंडिंग एंगल्स बी सेम। इसके मतलब है द कोरिस्पोंडिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। कोरिस्पोंडिंग साइड्स का मतलब हुआ कि इधर से यदि आप ए बी लेते तो इधर से आपको पी क्यू, इस दोनों का जो रेशियो आएगा कितना है ए बटे बी। फिर इस बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, तो बी सी अपॉन क्यू आर करते हैं तो BC का वैल्यू कितना है ए बटे बी। तो यहाँ पे BC बटा QR का वैल्यू भी क्या आ गया ए बटे बी, ये भी ए बटे बी आ गया। तो फिर देखिए आप नेक्स्ट लेंगे क्या, यहाँ पे बता गया AC और उधर बता गया PR। तो यहाँ से मैं AC बटे PR करूं, AC बटे PR करूं, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा ए बटे बी आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ये एक ऐसा ट्रायंगल है, दोनों एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके कोरिस्पोंडिंग एंगल सेम होने के साथ साथ कोरिस्पोंडिंग एंगल सेम होने के साथ साथ इसकी रेशियो ऑफ कोरिस्पोंडिंग साइड भी आल्सो इन प्रोपोर्शन। या मतलब क्या करने का, रेशियो ऑफ कोरिस्पोंडिंग साइड्स भी इन सेम, मतलब क्या यहाँ पे इसकी कोरिस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो भी क्या है हमेशा सेम दे रहा है या प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जब प्रोपोर्शनल है या सेम है रेशियो, सो दोनों का दोनों ट्रायंगल मेरा क्या है, दोनों का दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। क्योंकि मैंने डेफिनेशन में बताया कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू इच अदर इफ देयर कोरिस्पोंडिंग एंगल्स बी सेम। तो यहां से देख रहे हैं ना कि ए बराबर टी आ गया, बी बराबर क्यू आ गया, सी बराबर आर आ गया, इसलिए ये एंगल बी सेम है। अब हम साइड की बात करते हैं दूसरा कंडीशन, तो यहाँ पर उससे कोरिस्पोंडिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए, तो वो भी मेरा सेम आ गया। तो जब इतनी चीज सेम हो जाए तो दुनिया का कोई भी ट्रायंगल से दे दे तो एक दूसरे का क्या होगा, सिमिलर होगा। तो ये हो गया सिमिलरिटी का मेन कंसेप्ट। आप इसी तरह से वैसे ये आपको जो बताया गया यहाँ पे पॉलीगन लिखकर के जनरल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अब मैं आपको बताऊंगा इसके बाद वाले में जो मैं आपको चर्चा करूंगा उसमें बताऊंगा कि दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया, अब क्या हर ट्रायंगल दे दे चेक करने के लिए, क्या इतनी सारी कंडीशन उसमें देना जरूरी है, केवल साइड का रेशियो देकर के क्या मैं सोच सकता हूँ कि ये सिमिलर है कि नहीं, क्या एंगल्स की हेल्प से केवल मैं बता सकता हूँ कि ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं। तो इसके लिए मैं कुछ क्राइटेरिया बताने वाला हूं जो कि आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि टू ट्रायंगल्स के सिमिलर होने के इस